नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना की एक उपलब्धि से। भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। MiG-29K ने INS विक्रांत पर रात में लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि ये नौसेना की आत्मनिर्भरता के प्रति उत्साह का संकेत है। भारतीय नौसेना ने ट्वीट कर कहा कि ये चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग ट्रायल INS विक्रांत के चालक दल और नौसेना के पायलटों के संकल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की, जब रात के वक्त में INS विक्रांत पर इस विमान ने जो है वो लैंडिंग की, और यहाँ पर एक तरह से इतिहास जो है वो रच दिया है। MiG-29 की इस लैंडिंग ने रात के वक्त ये लैंडिंग जो है यहाँ पर कराई गई, और इसको लेकर जो है भारतीय नौसेना ने कहा है कि ये नौसेना की आत्मनिर्भरता के प्रति उत्साह को दर्शाता है, उत्साह का संकेत है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जाहिर है काफी चुनौतीपूर्ण रहता है रात के वक्त, और ये जिस तरह से इस विमान की लैंडिंग कराई गई है इसको भी आप समझाइए, ऐतिहासिक है सेना के लिए, एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस नाते आप समझ सकते हैं कि एक तो सबसे पहली बात है कि देश में बना एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उस एयरक्राफ्ट को कैरियर को ऑपरेशनल हुए करीब एक साल भी नहीं हुए, मतलब एक साल पहले जो है एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन होता है, उसके बाद एविएशन ट्रायल शुरू होते हैं, और एक साल के भीतर पहले LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो नेवल वर्जन है उसकी टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, उसके बाद MiG-29K का होता है जो रूस में बना हुआ एयरक्राफ्ट है नेवल वर्जन के लिए, और अब जाके नाइट जो है उसकी नाइट में लैंडिंग होती है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य चाहिए होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर और जो पायलट जो है टेक ऑफ और लैंडिंग करता है दोनों के बीच में, और नाइट लैंडिंग अपने आप में बहुत टफ होता है जी। तो देश में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं तो एक साल के भीतर कमीशन होने के बाद एविएशन ट्रायल को सक्सेसफुल अचीव करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल राजीव, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ये करियर होते हैं इसमें ज़्यादा जगह नहीं होती है, इसमें विमान को उतारना अपने आप में एक चुनौती होती है, और ऐसे में अब रात के वक्त भी जब MiG-29 को यहाँ पर लैंड कराया जा सकेगा तो ये क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देगा। आप सही कह रहे हैं, और इससे खासतौर से जो हमारी समुद्री सरहद है वहाँ जो चुनौतियाँ मिल रही है, खासतौर से हिंद महासागर की बात करें चीन की, और जो चुनौतियाँ जिससे मिल रही है तो उसका सामना करना आसान हो जाता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर जितना आगे सी के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, और उसमें जो फाइटर जो फ्लाई करते हैं उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। माना जाता है कि तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के एरिया जो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी सब कुछ 70% से अधिक ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो देश में बना हुआ है। LCA इसमें लगना है, नेवल वर्सन लगना है, और जो MiG-29 का के का अब जो रात का जो हुआ है इससे आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है विक्रांत जो INS विक्रांत जो है एक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, और जो हमारे जो समंदर में जो आसपास जो चुनौतियां जो मिल रही है उसका वो बखूबी सामना कर पाएगा। बिल्कुल जाहिर है जो चुनौतियां हैं उनको बखूबी सामना कर पाएगा। एक और शक्ति के तौर पर आप देखिए यहाँ पर बड़ी उपलब्धि के लिए इसलिए इसको देखा जा रहा है क्योंकि MiG-29 INS विक्रांत पर रात के वक्त जो यहाँ पर लैंड कराया गया है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए, और यहाँ पर भारतीय नौसेना ने भी इसको लेकर कहा है कि ये नौसेना की आत्मनिर्भरता के प्रति उत्साह का संकेत है, और जाहिर है यहाँ पर आप देखिए भारतीय नौसेना ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर, जिसमें कहा गया है कि चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग ट्रायल INS विक्रांत के चालक दल और नौसेना के पायलटों के संकल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा से लौटते ही विपक्षी दलों पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि जो संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। आज जब सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पीएम ने कहा कि भारतीय समुदाय का जो सिडनी में कार्यक्रम था वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, वहां सभी विपक्षी दलों के नेता थे, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता थे। ये लोकतंत्र का वातावरण, ऑस्ट्रेलिया के लोग चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, उतने ही उत्साह और उमंग के साथ भारतीयों के कार्यक्रम में शरीक हुए थे। साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने उनका भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को, दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। एनडीए ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए 19 विपक्षी दलों की निंदा की है। एनडीए नेताओं ने साझा बयान जारी कर इस फैसले को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला बताया। एनडीए के बयान में कहा गया है कि 9 सालों में विपक्षी नेताओं ने बार बार संसद की प्रक्रियाओं और नियमों की अवहेलना की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति घोर अनादर किया और उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया। बयान में कहा गया है कि विपक्ष संसद से भागता है, यह संसदीय लोकतंत्र के प्रति घोर तिरस्कार है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। देखिए, जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है, केवल विरोध के लिए विरोध करना, इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर, और अब आपको सीधा लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। तो शरद पवार से मुलाकात यहां पर अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने की है, और दोनों नेताओं की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाली है, जिसमें आप देख रहे हैं इससे थोड़ी देर में ये अपनी बात भी यहां पर रखेंगे। क्या इन दोनों नेताओं के बीच बात हुई है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश है उसके सिलसिले में विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और इसको लेकर जो है उनका समर्थन वो उनसे मांग रहे हैं, और इसी सिलसिले में शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और उनके साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता माननीय संजय सिंह जी साथ में आए हुए, उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद और युवा नेता माननीय राघव चड्ढा जी और दिल्ली की मंत्री महोदया माननीय आतिशी जी आज यहां मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी को और उनके साथ हम सभी उनके सहयोगियों को आज केजरीवाल जी के और मान साहब के नेतृत्व में यहां मुलाकात हुई और देश की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा शीर्ष नेतृत्व ने की
और खास करके वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो पांच बेंच की खंडपीठ जो फाइव मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पिछले आठ वर्षों से दिल्ली सरकार की याचिका पर गंभीर तरह से सुनवाई के बाद अपने जजमेंट को पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो आप हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया उसमें 5-0 के जजमेंट के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसको मंजूर किया और जो दिल्ली सरकार अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरे मुद्दे होते हैं जिसमें दिल्ली सरकार को स्वायत्ता होनी चाहिए अधिकार होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन है मगर वहां की विधानसभा है और वहां की सरकार मुख्यमंत्री महोदय के जुड़े हुए मुख्यमंत्री महोदय के अधीन काम करती है तो उनको सारे अधिकार जो मिलने चाहिए एक राज्य सरकार के खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर पोस्टिंग्स के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया लेकिन उसके पश्चात केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को एक नए कानून का स्वरूप देने का काम किया और वो ऑर्डिनेंस स्वाभाविक है कि ऑर्डिनेंस तब तक ही लागू रहता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में संसद में उसको पारित नहीं किया जाता है तो आने वाले लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा तो ये ऑर्डिनेंस भी वहां पर बिल के द्वारा कानून के द्वारा वहां पर पार्लियामेंट में प्रेषित होगा और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों को फिर उस पर मतदान करने का और बहस और मतदान करने का अधिकार रहेगा तो इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ साथ मान साहब ने भी पवार साहब से खास करके आगे आने वाले इस विधेयक के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इसमें एकजुटता और एकता दिखाकर इस बिल का मुकाबला करना चाहिए सरकार की जो नीति है जिसकी वजह से एक गलत एक परंपरा की शुरुआत हो रही है जहां एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है और जो इनके आने के पूर्व जो सरकार थी जिसको कभी इस तरह का कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन आज केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष की वजह से दिल्ली के प्रशासन पर बहुत उसका विपरीत परिणाम हो रहा है तो उन्होंने पवार साहब को गुजारिश की एनसीपी के नेता के नाते भी और साथ साथ में इस देश के वरिष्ठ राजनेता के नाते कि उन्होंने भी इस मामले में एक मत बनाने की पूरे विपक्षी दलों में कोशिश करना चाहिए ताकि ये बिल को वहां पर खास करके राज्यसभा में क्योंकि लोकसभा की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और यहां पर एनसीपी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की शरद पवार से मिले उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहां पर जहां पे जो है बात रखी जा रही है कि सिलसिले में क्या बातचीत यहां पर हुई है एक ब्रेक ले रुकते हैं आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहां पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा सीबीआई के द्वारा पैसों के द्वारा तोड़ के एमएलए को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं लोगों को जोड़ रहे हैं लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है ये देश की बात है देशभक्तों की बात है देश जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं जितने इस देश के अंदर
देश को चाहने वाली पार्टियां हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के खरीद के अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा, फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में जिनका शुमार होता है, माननीय शरद पवार जी, इन पार्टी के राज्यसभा के साथी, सभी मीडिया वाले साथी, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर एक झाक अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हो, चाहे वो किसी को एमएलए को तोड़ के खरीद के करवा रहे हैं, चाहे किसी को गिरफ्तार करके सीबीआई की तरफ से करवा रहे हैं। जो गवर्नर है देश में वो स्टार कंटेनर बन चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार तंग किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है जी मैं केंद्र सामने नहीं कर पाया, तो उसकी गवर्नरी भी खतरे में हो जाती है कि आपको किस चीज के लिए लगाया था। तो ऐसा चल रहा है दिल्ली में, तो चलो एलजी को उन्होंने सरकार घोषित कर रखा है, तंग करना है। पंजाब इज ए फुल स्टेट, हमें अपना बजट सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, गवर्नर जो है वो कह रहे मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। सो देश में इलेक्टेड राज करेंगे ना सिलेक्टेड राज, सवाल ये तो फिर 140 करोड़ जनता जो है वोटिंग के लिए लहर में क्यों लगती, क्यों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा जाता है अगर सिर्फ 30-35 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री नहीं देश चलाना है। तो ये बहुत ही खतरनाक है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। हर रोज किसी न किसी तरीके से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पानी, जो पंजाब है पानी सतलुज हमारे पास ब्यास पानियों के जरिए है, चाहे वो पुलिसिंग, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा एक, मैं तो कहूंगा कि भगवान ने मौका दिया है देश प्रेमियों को इकट्ठा होने का, और शरद पवार जी के लिए ये कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने देश पर इतने संकट देखे और उन संकट में से जब निकलना था तो ये उस कमेटी के या उस सलाहकार जो कमेटी बनती थी उसके मेंबर रहे हैं। बहुत बार देश भर इन्होंने संकट देखा और संकट को इन्होंने टाला भी और संकट से बाहर भी निकाला देश को। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक संकट आ गया है देश पर। सीए शरद पवार जी के नाम पर माने आप एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और इस देश को बचाइए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाइए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को ये जवाब दे सकें कि जब डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा था तो क्या कर रहे थे, हमसे हम ये कह सकें कि हम ट्राई कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे और हम किसी भी माध्यम से इनको रोकना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो देश का संस्कृति
स्वास्थ्य ग्रह करना के पिछले कार्यक्रम से पहले हम साथियों के साथ देश के सामने की समस्या है जरूरी तो दिल्ली के संज्ञान से उपलब्ध अच्छी तरह से ईश्वर दिल्ली का है क्या मानते हैं हम मानते हैं कि ये फार्मी की डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है जैसे क्योंकि जो अभ्यास हो रहा है दिल्ली में तो फार्मी की डेमोक्रेसी किसके ऊपर अभ्यास हो रहा है देश में प्रजातंत्र में सुंदर राज्य में सरकार वो राष्ट्र लेगी वो डिसीजन लेगी क्या अफल से लोगों के थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट को नजरअंदाज करने की प्रयास हो तो उसको काम लेने के लिए कि ये समस्या आज सबके सामने हमें ये लगता है कि ये समय कौन से पार्टी का आप है या आपकी नीति क्या है इस पर बहस करने का समय नहीं ये समय है प्रजातंत्र बचाने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचाने के लिए और आम जनता का वोट लेकर अपनी सरकार बनाने का जो अधिकार है कि आम जनता के वोट देने का अधिकार वो बचाने के लिए आज अजीत जी श्रीमान साहब यहाँ आए हैं इसके समर्थन मांगने के लिए और मेरा कहना इतना है कि पार्टी की तरफ से सचिव की तरफ से और मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी की जनता भी जो अजीत जी ने सुझाव दे दिया इसका समर्थन करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी तरह से मदद करेगी मगर अभी मैं सोच रहा था कि अभी जो उन्होंने पार्लियामेंट असेंबली में आकर 56 साल हो गए इसके किए करती थी और इसके ये 56 साल का एक फायदा होता है कि देश के कौन से भी राज्य में जाए वहां कोई नेता हो पार्लियामेंट का मेंबर हो राज्यसभा का मेंबर हो उनसे कुछ न कुछ व्यक्तिगत रहेगी तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की और जो अध्यादेश आया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस सिलसिले में जो विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं इसी सिलसिले में मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बताएं। यहाँ पर कुनू नेशनल पार्क से खबर है, यहाँ पर दो और चीतों की मौत की खबर है और कुनू नेशनल पार्क में आपको बताएं कि अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या जानकारी मिल पा रही है इनको लेकर, क्या वजह रही इनकी मौत की? बहुत अफसोसनाक खबर है क्योंकि 23 तारीख को ही जो मादा चीता ज्वाला थी जिसने 2 महीने पहले ही 4 शावकों को जन्म दिया था और 5 दशकों बाद भारत की भूमि पर 4 चीतों की चीता शावकों की पैदाइश हुई थी लेकिन उसके बाद एक के बाद एक पहले 23 तारीख को ज्वाला का एक बच्चा और उसके बाद फिर तीनों बाकी बहुत ज्यादा फुर्ती से नहीं चल रहे थे क्योंकि स्थितियां भी उनकी सामान्य नहीं लग रही थी। लगातार उनकी निगरानी की जा रही थी और ऐसा वन विभाग की तरफ से बताया गया है कि 23 तारीख को भी इस गर्मी के मौसम का सबसे गर्म दिन रहा जब दिन का तापमान वहां के जंगलों में 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। दिन भर गर्म हवा और लू चलती रही, ऐसे में तीनों शावकों की असामान्य स्थिति रही और गर्मी को देखते हुए जो वन प्रबंधन था और वहां जो चिकित्सकों की टीम थी उन तीनों शावकों को रेस्क्यू कर उनका उपचार कर रहे थे लेकिन 2 शावकों की जो हालत बहुत ज्यादा खराब थी और तमाम प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका है। एक और जो शावक बचा है उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है और उसे पालपुर जो चिकित्सालय है वहां रखा गया है और लगातार उसका उपचार किया जा रहा है। उसके उपचार के लिए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भी जो डॉक्टरों की टीम है उनसे लगातार सलाह ली जा रही है
और सतत उसका उपचार चल रहा है। जो उनकी माँ है ज्वाला, उनकी भी उसकी भी लगातार निगरानी चल रही है। लेकिन अपने आप में ये चीता प्रोजेक्ट के लिए बहुत दुख भरी खबर है कि पहले तीन जो चीते हैं उनकी मौत हुई और अब जो चार चीते के शावक जो भारत में जन्मे थे उसमें से तीन की मौत हो चुकी है। अनुराग, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, जैसे कि आप भी बता रहे थे काफी गर्म दिन वहां पर रहा, अब इसके बाद वहां पर कुछ इसके लिए किया जा रहा है कि गर्मी के लिए पानी का वहां कुछ इंतजाम किया जाए इस तरह से कि थोड़ी राहत इनको मिले वहां? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ज्वाला और उसके तीन बच्चों की मौत हो गई है, एक बच्चा खुद ही पालपुर में अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है, और लगातार निगरानी चल रही है। नामीबिया की जो टीम है, दक्षिण अफ्रीका की टीम है, उनके साथ भी यहाँ के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है और बहुत भयानक गर्मी पड़ती है उस पूरे इलाके में जी, तो इस वजह से जो भी समाधान है वो वहां के लोग ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया अनुराग आपका इस सब जानकारी के लिए। और अब खबर पाकिस्तान से, यहां पर इमरान खान को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। इमरान की पत्नी को भी नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है और पीटीआई के कई और नेता भी नो फ्लाई लिस्ट में यहां पर शामिल किए गए हैं, यानी विमान से यात्रा वो नहीं कर पाएंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए। उमा, एक तरफ इमरान खान की पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी को बैन करने की चर्चाएं हैं और अब नो फ्लाई लिस्ट में इनको शामिल कर दिया गया है, क्या क्या चल रहा है वहां पर? ये देखिए, अभी अभी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो जानकारी आई उसके मुताबिक जो पीटीआई के प्रमुख हैं इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी और तकरीबन 80 और दूसरे नेताओं को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है, यानी कि वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इससे पहले ये जानकारी आई थी कि इमरान खान को पाकिस्तान की सेना ने एक ऑफर भेजा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं और उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को लगता है कि जितने तरह के उपद्रव हुए हैं 9 मई के बाद, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, वो सब उनके समर्थकों ने किया है और इसी बाबत बहुत सारे मामले जो है आतंकी धाराओं में जो है वो दर्ज की गई है और इसी वजह से पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात जो है वो की जा रही है। कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है आसिफ ख्वाजा, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की थी और कहा था कि इस पर विचार चल रहा है कि पीटीआई को बैन किया जाए। तो ये जो दो बातें हैं, पीटीआई को बैन करने की, पीटीआई के नेताओं की पार्टी छोड़ने की, ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के जो ज्यादातर नेता हैं वो दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं, कई ने पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन पार्टी का जो पद है वो छोड़ दिया है, और अब जो जानकारी आ रही है कि 80 नेताओं को, इमरान खान और उनकी पत्नी समेत पीटीआई से जुड़े रहे 80 नेताओं को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इमरान खान और उसकी पार्टी के ऊपर जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पीटीआई को तोड़ा जाए। तो अब देखना है कि पीटीआई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन कल रात को जब इमरान खान ने देश को संबोधित किया था तो सीधे तौर पर कहा था कि वो तैयार है इस बात को लेकर कि एक मुजाकरात कमेटी बना दें, यानी बातचीत के लिए एक समिति का गठन करें जो तमाम स्टेक होल्डर से बात करें। लेकिन अब इमरान खान इस पोजिशन में है क्या कि उनके कहे पे उनकी कमेटी से पाकिस्तान की आर्मी या जो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार है वो बात करे, क्या ये संभव है? ये एक अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल अब इमरान खान हवाई जहाज के जरिए या किसी भी तरीके से मुल्क छोड़कर नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो इमरान खान की मुश्किलें दिन ब दिन वहां पर बढ़ती जा रही हैं। अब जो ताजा जानकारी वहां से आई है, जैसे कि उमा भी बता रहे थे कि इमरान खान को और उनकी पत्नी को नो फ्लाई लिस्ट में यहां पर शामिल कर दिया गया है, यानी विमान से यात्रा वो नहीं कर पाएंगे और पीटीआई के कई और नेता भी हैं जिनको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया है।